क्या हमारे बिजनेस के अंदर फैमिली बोर्ड नाम की कोई चीज है? क्या हमारे बिजनेस के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाम की कोई चीज है? क्या आपके बिजनेस के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं? पीपल सेड यस, देर इज बोर्ड बट इज नॉट फंक्शनिंग एज सच। जैसा वो एशियन पेंट का होना चाहिए ना, वैसा नहीं है। जैसा वो डाबर का होना चाहिए ना, वैसा नहीं है। जैसा इमामी का होना चाहिए ना, वैसा नहीं है। इसका मतलब जिस तरीके से फैमिली बिजनेस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए, डायरेक्टर्स का बोर्ड होना चाहिए, उस तरीके से हमारा नहीं है और हम कन्फेस कर रहे हैं। मतलब यस देर इज अ बोर्ड जो कि सिर्फ नाम का बोर्ड है, जहां पर कि हमने आरओसी के अंदर या फिर पार्टनरशिप डीड या एलएलपी के अंदर डायरेक्टर्स या डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स का नाम दिया हुआ है। सो उस तरह का बोर्ड है। और जरा उसके अंदर आप लिस्ट भी देखिए, उस लिस्ट में है कौन कौन। उस लिस्ट के अंदर तो नाम किसका है? हमारा ही। अपने बेटे का नाम है, वाइफ का नाम है, डॉटर इन लॉ का नाम है या डॉटर का नाम है। और वो भी इसलिए नाम है क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर हमने अपने ही रिश्तेदार भरने हैं, क्योंकि वहां से हमने सैलरी विड्रॉ करनी है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर ये लोग इन्वॉल्व है, बहुत सारे फैमिली बिजनेसेस के अंदर। और कुछ लोग मुझे बोलते हैं, राकेश भाई बोर्ड तो है लेकिन ना ये ना डोरमेंट है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। और अगर कभी हम बात करते हैं तो हमारे आपस में जो है वो मन मन भेद हो जाते हैं और मत भेद हो जाते हैं और फाइट हो जाती है और वहां पे किसी का भी कोई सिंक नहीं बनता। तो बोर्ड तो है लेकिन वो डोरमेंट है। और जो फैमिली बिजनेस ऑनर है वही कंपनी का डायरेक्टर है, चाहे वो कंपनी के डायरेक्टर्स नहीं भी हैं, यानी कि ना तो पेपर पे डायरेक्टर्स हैं और ना ही अदरवाइज डायरेक्टर है, लेकिन कंपनी की पूरी कमांड वही अथॉरिटी संभाल रहे हैं। तो ऐसे भी डायरेक्टर बिजनेस के अंदर है। अब इस तरह के गैप के साथ ना तो हम बिजनेस को चला पा रहे हैं और ना ही हम बिजनेस को चला पा रहे हैं। और हमारे को राइट फ्रेम ऑफ फैमिली बोर्ड आज रिसीव करना है कि किस तरीके से इमामी, डॉक्टर रेडी लैब, एशियन पेंट्स, डाबर, किस तरीके से इन लोगों ने अपनी फैमिली बिजनेस को क्रिएट किया, वो कौन कौन से स्टेप्स थे जिस स्टेप्स को इन परिवारों ने क्रिएट किया एंड देन अपने फैमिली बिजनेस को एक सुपर बिजनेस ग्रोथ पे लेके गए और साथ साथ फैमिली अलाइनमेंट भी रखा। नॉर्मली फैमिली बिजनेस के अंदर ज्यादातर जो डायरेक्टर्स हैं वो या तो सेल्स पे लगे हैं या ट्रेनिंग्स लेने में लगे हुए हैं या किसी एल्यूमिनाई में जाने में लगे हुए हैं या फिर वो ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व है। और जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को होना चाहिए जिस पर्टिकुलर काम के लिए वो अंडर यूज्ड है, वो अंडर यूज्ड है। जहां पे स्ट्रेटेजी थिंकिंग के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बैठ के कंपनी के ग्रोथ के बारे में सोचना है, जहां पर कंपनी की ग्रोथ की स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी है, वहां पर काम नहीं हो रहा, बाकी हर जगह काम हो रहा है। यानी कि ऑपरेशन के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। अब क्योंकि ऑपरेशन के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर क्या हो रखा है, क्योंकि आपने इतनी बड़ी कंपनी तो खड़ी कर ली, लेकिन अब जब इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर ली, हमारे को बिजनेस का ग्रोथ पे काम करना है, फैमिली की अलाइनमेंट पे काम करना है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि जो बिजनेस की कमांड है, यानी कि बिजनेस का जो थिंक टैंक है, अगर वो अलाइंड नहीं होता तो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्राइसिस चल रहे हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट टास्क है सिर्फ उसी पे ही काम चल रहा है, कहीं कंपैरिजन चल रहा है, कहीं स्ट्रगल चल रहा है, कहीं मेरे को बड़े बेटे को सेट करना है, मुझे छोटे बेटे को सेट करना है, बिजनेस के अंदर बेटा इन्वॉल्व नहीं है, बिजनेस को तरीके से चलाया नहीं जा रहा। सो लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये फियर, रैट रेस, डोमिनेशन, डाउट, मैनिपुलेशन, ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इसको राइट ट्रैक में लेके आना है आज फैमिली बिजनेस के अंदर, किस तरीके से फैमिली बोर्ड काम करता है या किस तरीके से फैमिली बोर्ड और कितने तरह का फैमिली बोर्ड होता है वो देखना है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, पर्पस क्या है फैमिली बोर्ड का, फैमिली के बोर्ड का पर्पस क्या है। जो हमने फैमिली बिजनेस क्रिएट किया है, इस फैमिली बिजनेस का जो बोर्ड हमने क्रिएट किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमने क्रिएट किए हैं, इनका एक्चुअल में रोल है क्या? इनका एक्चुअल में रोल आता है ऑपरेट एट द स्ट्रेटेजिक लेवल, ऑपरेशनल लेवल नहीं। अगर आपने एक क्वांटम जंप लेनी है अपने बिजनेस के अंदर, अगर आपने सस्टेनेबल सुपर बिजनेस ग्रोथ अगर आपने क्रिएट करना है और फैमिली के रिलेशन के अलाइनमेंट को भी एंजॉय करना है, तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्ट्रेटेजिक लेवल पे क्रिएट करने होंगे, ऑपरेट करने होंगे, ना कि डे टू डे के ऑपरेशन के अंदर, डे टू डे की चीजों के अंदर इन्वॉल्व करने होंगे।
सो फर्स्ट थिंग क्या है, स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर ऑपरेट करना होगा डे टू डे ऑपरेशन में नहीं. नंबर टू, हमारे को देखना होगा कि प्रोवाइडिंग ओवरसाइट गाइडेंस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑनर का इंटरेस्ट. अरे कंपनी के मालिक ने जिस पर्पस के लिए कंपनी क्रिएट की है, यानी कि पिताजी ने, दादाजी ने, मम्मी जी ने या आपने जिस पर्पस के लिए उस कंपनी को क्रिएट किया है, उसका एक मिशन है, उसका एक विजन है, और उस मिशन और विजन के अंदर आपने क्रिएट किया हुआ है अपने बिजनेस को एक इंस्टीट्यूशन बनाना है और वहां से बहुत पैसा कमाना है और सोशल कॉज करना है, और ये दोनों चीजें करेंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स. मतलब योर बिजनेस टू बी एन इंस्टीट्यूशन रन फॉर वेल्थ क्रिएशन एंड सोशल कॉज, बोथ टू बी यूज्ड फॉर द अदर्स. ये एक बहुत डीप डेफिनेशन है जहां पर कि फैमिली बिजनेस मेंटरशिप के अंदर मैं इसको इंप्लीमेंट कराता हूं. तो फैमिली बोर्ड को क्या याद रखना है, फैमिली बोर्ड को याद रखना है ऑनर का जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को आगे लेके जाना है, उस इंटरेस्ट को आगे लेके जाना है. ये बोर्ड का कर्तव्य है, ये बोर्ड का कर्तव्य है, ना कि अपनी पर्सनल फाइट में बिजनेस को और रिलेशनशिप को डिटियोरेट करना. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक बिग पिक्चर क्वेश्चन मार्क लेना होता है, एक क्वांटम ग्रोथ की तरफ काम करना होता है, एक विजन के ऊपर काम करना होता है, एक ग्रोथ के ऊपर काम करना होता है. जो ऑपरेशनल लेवल की चीजें हैं वो मैनेजमेंट काम करती है. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट दो अलग अलग चीजें हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्ट्रेटेजिक एरिया पे काम करता है, ऑनर के इंटरेस्ट पे काम करता है, मैनेजमेंट डे टू डे ऑपरेशन पे काम करती है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिग पिक्चर क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं, मैनेजमेंट उस चीज को इंप्लीमेंट करती है जहां पर कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्ट्रेटजी के साथ क्रिएट की हुई है चीजों को. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंश्योर करते हैं कि वैल्यूज और गोल जो कि फैमिली ऑनर्स ने क्रिएट किए हुए हैं उसके हिसाब से बिजनेस करते हैं, ना कि उसके अगेंस्ट में बिजनेस करते हैं. अल्टीमेटली बिजनेस को या तो हमें मर्ज करना है या सेल करना है या अपने बच्चों को देना है या फिर हमारे को उसको जो भी विजन होता है उस विजन के अकॉर्डिंग चलना होता है. तो कंपनी के ऑनर का विजन कंपनी के बोर्ड को आगे चलाना होता है. अब अगर ये कॉन्सेप्ट है और अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है मेरे को आपका हाथ पकड़ के, तो मुझे आपको बताना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने तरह के होते हैं, आपके फैमिली बिजनेस के अंदर कौन सा बोर्ड इफेक्टिव होगा, किस स्टेज पे आप हैं, इस चीज को समझना होगा. इस चीज को समझने के लिए अब मैं आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कैटेगराइजेशन करने जा रहा हूं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कैटेगराइजेशन करने जा रहा हूं मतलब कि हम बोर्ड की डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, क्रिएट करने जा रहे हैं. तो ये कितने तरह का होता है, छह तरीके के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं. छह तरीके का बोर्ड का डेवलपमेंट होता है इन द फैमिली बिजनेस, वो फैमिली बिजनेस जो कि अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है, वो फैमिली बिजनेस जो कि जिंदगी भर यानी कि अगले 100 साल तक अपने बिजनेस को चलाना चाहता है, वो फैमिली बिजनेस जो ये कहता है कि हमारे बच्चे या हमारी नेक्स्ट जनरेशन चाहे बिजनेस के अंदर ना भी आए, ऑपरेशन के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, तो भी हमारी कंपनी ह्यूज प्रॉफिट कमाएगी, टैक्स पे करेगी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हायर करेगी और जो प्रॉफिट बचेगा वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन यानी कि जितनी भी हमारी जनरेशन आते जाएंगी उनको उसका फायदा मिलेगा. अब मैं आपको 6 लेयर ऑफ बोर्ड्स के बारे में शेयर करने जा रहा हूं. नंबर 1 पेपर बोर्ड. पेपर बोर्ड का क्या मतलब है, आपने ROC के अंदर एक कंपनी बनाई, आपने LLP एक कंपनी क्रिएट की, उसके अंदर आपने अपने परिवार के सदस्यों का डायरेक्टर का नाम लिख दिया और जिन लोगों का आपने एज ए डायरेक्टर नाम लिखा, पार्टनरशिप डीड के अंदर शेयर होल्डर का नाम लिखा, LLP एग्रीमेंट के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर या पार्टनर का नाम लिखा, इनको बोला जाता है पेपर बोर्ड. अब ये लोग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं या नहीं है, इन लोगों की सैलरी आप विड्रॉ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इररिलेवेंट है, लेकिन ये पेपर बोर्ड है. इनका बिजनेस की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी है. पेपर बोर्ड एक तरीके का हमने इनको जेल में बंद करके रखा हुआ वाला इंडिविजुअल पर्सन है. क्यों? क्योंकि इस पर्सन की चाहे वो हमारे पिताजी हो या हमारी माताजी हो या हमारी वाइफ हो या हमारे बच्चे हो, जिनको हमने पेपर बोर्ड बनाया हुआ है और बिजनेस में इनका कोई रोल नहीं है,
इनको हमने बांध रखा है फ्यूचर के अंदर आने वाले नॉन कंप्लायंस के नोटिसेस से, बिजनेस के अंदर आने वाले रिस्क का सबसे बड़ा जो इंपैक्ट पड़ेगा वो पेपर बोर्ड वाले के ऊपर पड़ेगा। इस पेपर बोर्ड के पर्सन को आपको 17 तरीका के रिस्क से डीरिस्क करना है। फिर दोबारा सुनिए, पेपर बोर्ड के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है या बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं लेकिन हम उनके ऊपर आने वाले रिस्क को आप डी रिस्क करना चाहते हो, तो आपको वो 17 टूल्स अपने फैमिली बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, जिससे कि आपके पेपर बोर्ड के ऊपर फ्यूचर के अंदर कभी भी कोई भी लायबिलिटी ना आए। वो 17 तरह के टूल आपको इंप्लीमेंट करने हैं। सो पहला बोर्ड हमारा क्या होता है? पेपर बोर्ड, जिसको कि अक्सर लोग इसी को बोर्ड मान के चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है बोर्ड डेवलपमेंट के अंदर फैमिली ओनली बोर्ड। पेपर बोर्ड में तो सिर्फ वो लोग थे जिनका नाम आरओसी की लिस्ट में था, पार्टनरशिप डीड में था, एलएलपी एग्रीमेंट में था। अब हम एक एडवांस लेवल पे चले गए, बोला वहां पे तो जो नाम है राकेश शर्मा हमारे को वो 17 की लिस्ट देगा कि 17 तरीके जो टूल्स हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं उसको डीरिस्क करने की, वो तो हमने पार कर दी। लेकिन अब हम आए फैमिली ओनली बोर्ड। अब फैमिली ओनली बोर्ड के अंदर जो एक्चुअल में बिजनेस में काम भी कर रहे हैं और बोर्ड में भी हैं, जो कि एक्चुअल में फैमिली बिजनेस में काम भी कर रहे हैं और बोर्ड पे भी हैं, अब इन लोगों के बीच में रोल की क्लैरिटी नहीं है, इन लोगों के बीच में रोल की क्लैरिटी नहीं है, इनके केपीआई डिफाइंड नहीं है, इनके केआरए डिफाइंड नहीं है, इनसे बोर्ड मीटिंग के अंदर बैठ के इनके केपीआई और केआरए के ऊपर परफॉर्मेंस लिंक्ड इवेल्युएशन करना जब शुरू करते हैं तो वहां पे फाइट हो जाती है। तो फैमिली बिजनेस के अंदर लोग काम तो कर रहे हैं फैमिली ओनली बोर्ड के अंदर, लेकिन अपने नंबर्स शेयर नहीं कर रहे, अपने कंसल्टेंट की लिस्ट भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। उनका वो पूरे दिन भर कहां रहते हैं, क्या करते हैं, अपने फैमिली ओनली बोर्ड के अंदर वो भी शेयर नहीं कर रहे। पूरी की पूरी इंप्लॉइज की जो टीम है, यानी कि पूरी की पूरी जो टीम है उसकी ईएम ले रहे हैं, एवरी मंडे उसकी परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, उसका एमआईएस चेक कर रहे हैं, लेकिन जो फैमिली ओनली बोर्ड के ऊपर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं उनका इवेल्युएशन कौन लेगा, उनकी परफॉर्मेंस को कौन चेक करेगा? और जब भी उनकी परफॉर्मेंस को चेक करने की बारी आती है तो आपस में मनमुटाव आ जाता है। आपको कहां क्या सीखना है, आपको लर्न करना है राकेश शर्मा से कि किस तरीके से फैमिली ऑन बोर्ड को क्रिएट किया जाता है, कैसे उनके केपीआई डिफाइन किए जाते हैं, कैसे उनके रोल डिफाइन किए जाते हैं और कैसे उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है और किस तरीके से बोर्ड मीटिंग के अंदर बैठ के डिस्कशन किया जाता है, जिससे कि जो कि कंपनी के सबसे महंगे रिसोर्सेज हैं, कौन है, डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के सबसे महंगे रिसोर्सेज फैमिली ओनली बोर्ड के ऊपर बैठे हुए फैमिली के मेंबर्स हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना होगा। अगर आप अपने आप से उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट नहीं कर सकते या आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है तो आपको राकेश शर्मा से वो स्ट्रक्चर ले लेना है। मैंने आपको बोला मैं आपका दोस्त हूं और मैं आपके दोस्त के नाते आपको फैमिली बिजनेस बोर्ड के अंदर हेल्प करने के लिए आया हूं, तो आपने वो क्रिएट करना है। नेक्स्ट एरिया ऑफ नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ फैमिली बोर्ड क्या होता है, फैमिली बिजनेस के अंदर बोर्ड क्या होता है, नेक्स्ट है आपका फैमिली बोर्ड तो है, साथ में आपने एक फीस बेस्ड एडवाइजर भी रखा हुआ है अपने फैमिली बोर्ड के ऊपर, यानी के फैमिली प्लस फीस बेस्ड एडवाइजर। ये जो फीस बेस्ड एडवाइजर है, ये जो फीस बेस्ड मेंटर है, ये आपको और आपकी फैमिली को एवरी वीक, एवरी फोर्टनाइट, आपकी और आपकी फैमिली को, यानी कि जो लोग बिजनेस के अंदर हैं या जो फैमिली ऑफिस चला रहे हैं या जो फैमिली ऑफिस नहीं भी चला रहे हैं और बिजनेस में नहीं भी हैं, उनके बीच में भी एक अलाइनमेंट मिसमैच आ रहा है बार बार। तो ये जो फैमिली एंड फीस बेस्ड एडवाइजर है, ये क्या चीज है, ये फैमिली के जो लोग हैं वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे है ही है, प्लस एक फीस बेस्ड मेंटर, एक फीस बेस्ड एडवाइजर आपने हायर किया हुआ है, जो कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चलाने में, स्ट्रक्चर करने में आपकी हेल्प करता है,
आपके फैमिली मेंबर्स की हेल्प करता है, वो फैमिली मेंबर जो बिजनेस के अंदर हैं, वो फैमिली मेंबर जो आपके बिजनेस के अंदर नहीं है, वो फैमिली मेंबर जो आपके फैमिली ऑफिस को ऑपरेट करने के लिए तैयार हो रहे हैं, उनको तैयार करना है, वो फैमिली मेंबर जो ऑलरेडी आपके फैमिली ऑफिस को रन कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है और नेक्स्ट जनरेशन को रेडी करना है टू टेक ओवर द की पोजीशंस। तो ये जो फैमिली बोर्ड प्लस फीस बेस्ड एडवाइजर है, ये आपको एडॉप्ट करना है। क्यों? क्योंकि आपने सुपर बिजनेस ग्रोथ की तरफ जाना है एंड फैमिली अलाइनमेंट की तरफ जाना है। नेक्स्ट लेवल ऑफ बोर्ड डेवलपमेंट, नेक्स्ट लेवल। मैं आपको ये नेक्स्ट आज 6 लेवल आपको मैं क्यों दे रहा हूं, आज ये 6 लेवल मैं आपको इसलिए अवेयरनेस में लेके आ रहा हूं कि आपको इसी स्टेप्स में आगे जाना है, इसी प्रोसेस में आगे जाना है, इसी सीक्वेंस में आपने ऐसे आगे जाना है। और इस सीक्वेंस में अगर आप जाएंगे तो आपकी कंपनी का नाम नेक्स्ट जो होगा वो इमामी, एशियन पेंट, डॉक्टर रेडी लैब, डाबर, इस तरह की कंपनीज के अंदर आपका नाम आ सकता है। रीजन, इन लोगों ने भी यही किया है जो मैं आज आपको दिखा रहा हूं। और ये आज पीक लेवल पे जाने के बाद किस तरह का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंटेन करते हैं वो भी मैं आपके साथ डिकोड करने जा रहा हूं। सो नेक्स्ट है कि हमने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर फैमिली तो रखी हुई है, फैमिली के साथ एक हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी रखा हुआ है। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस को, हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है और इसको एक सेपरेट लेंस से देखता है। ये फैमिली के लेंस से नहीं देखता, ये कंपनी को प्रोफेशनलाइजेशन की तरफ से देखता है। तो इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार के सदस्य नहीं है, सिर्फ पेपर बोर्ड नहीं है, यहां पर क्या है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक तो होता है जो लॉ के अंदर रखा जाता है, आरओसी के अंदर रखा जाता है, क्योंकि हमारी कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है या हमारी कंपनी की टर्नओवर है वो इतनी चली गई है कि अब हमारे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है। मैं फैमिली बिजनेस जहां मेंटर करता हूं वहां को एडवाइस करता हूं, अगर वो रिक्वायरमेंट नहीं भी है तो भी हमारे को अपने प्रोफेशनल बोर्ड के अंदर इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेके आना है, इंडिपेंडेंट पर्सन को लेके आना है एज ए बोर्ड। अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसको कैसे हायर किया जाता है, इसका कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कौन से पर्सन को हायर किया जाता है, इसकी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है इनकी परफॉर्मेंस को भी कैसे इवेल्युएट किया जाता है, ये आपने मेरे से ले लेना है। ये मैं आपको सारी चीजें देने के लिए तैयार हूं कि अगर आप इस फोर्थ स्टेप पे आ चुके हैं अपने फैमिली बिजनेस के अंदर, आपने 3 स्टेप ऑलरेडी क्रॉस कर लिए, इस समय फोर्थ स्टेज पे हैं, तो इस फोर्थ स्टेज के ऊपर मैं आपके लिए बोर्ड की क्रिएशन करूंगा फॉर द इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर्स के लिए। उसका रोल क्या है, वो एक्शन क्या लेंगे, उनकी परफॉर्मेंस को कैसे इवेल्युएट किया जाएगा, वो आपकी कंपनी को कंट्रोल में ना ले लें, या कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करनी है जिससे कि वो जिस एरिया पे काम करें वहां पे क्वांटम जंप आए फॉर द बेनिफिट ऑफ कंपनी, फॉर द बेनिफिट ऑफ कंपनी। सो ये था फोर्थ काइंड ऑफ बोर्ड डेवलपमेंट। अब इससे भी आगे चलते हैं, आपने इन्हें मान के चलता हूं आपने ये कर लिया और अब आप रुकने वाले नहीं है और आप अपने बिजनेस के अंदर 100 ईयर लीगेसी मॉडल, राकेश शर्मा का मॉडल इंप्लीमेंट करने वाले हैं। उसमें चाहे 3 महीने लगे, 3 साल लगे या 10 साल लगे, क्योंकि जितनी देर से हम स्टार्ट करेंगे उतना ही समय हमें ज्यादा लगेगा। कुछ लोग 3 महीने में मान के चलते हैं, 3 महीने में रिजल्ट आए, ये 3 महीने का रिजल्ट नहीं है जो मैं 100 ईयर लीगेसी मॉडल फैमिली बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कराता हूं। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, बोर्ड डेवलपमेंट। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास यहां पर बोर्ड डेवलपमेंट का, फिड्यूशरी बोर्ड। फिड्यूशरी बोर्ड का क्या मतलब है, डैश मेजॉरिटी फैमिली। फैमिली के जो सदस्य हैं मेनली वही फैमिली बोर्ड के अंदर हैं, लेकिन हमने अपने फैमिली बिजनेस के अंदर एक CFO को हायर किया, एक CEO को हायर किया। ये जो CFO है, ये जो CEO है, इसको हमने डायरेक्टर्स भी बनाया, इसको हमने इंडिपेंडेंट चार्ज दिया, इसको KPI और KRA दिए, वो KPI और KRA जिसका कि लिंक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से है। इनको जो हम सैलरी दे रहे हैं, हम ये चेक करेंगे एवरी वीक, एवरी क्वार्टर, एवरी मंथ, एवरी हाफ ईयर, एवरी ईयर
कि इनको जो हमने सैलरी दी उससे हमारा जो बेनिफिट हुआ कंपनी का वो कितना हुआ, और उसकी उनकी परफॉर्मेंस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से लिंक करते हैं। ले लीजिए ना मेरे से आप ये चीजें ले लीजिए कि किस तरीके से फिड्यूशरी बोर्ड को अपॉइंट किया जाता है, कौन से लोगों को अपॉइंट किया जाता है, उनके JDA क्या होते हैं, उनके KPI और KRA प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट लिंक क्या होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाता है, और किस तरीके से आपके फैमिली बिजनेस के अंदर फिड्यूशरी बोर्ड एक एसेट्स बन के आएगा। ये जो 5 नंबर का मैंने आपको फिड्यूशरी बोर्ड दिखाया है, इसमें मैंने लिखा है कि अगर कंपनी में 5 डायरेक्टर हैं, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर मैं अगर रिकमेंड करता हूं कि 5 डायरेक्टर्स हैं, तो हम कह रहे हैं उसमें से 3 फैमिली मेंबर हैं और 2 फिड्यूशरी बोर्ड मेंबर हैं। अब ये फिड्यूशरी बोर्ड मेंबर जो है इनको हमने माइनॉरिटी में रखा है, मेजॉरिटी में कौन है, फैमिली मेंबर। तो अगर ये माइनॉरिटी के अंदर हैं तो कंपनी को किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये फिड्यूशरी बोर्ड इन अपने अपने एरियाज के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की होती है, यही लोग डायरेक्टर्स होते हैं, यही लोग साइन करते हैं, यही लोग कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं, कल अगर फ्यूचर के अंदर किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम आती है कंपनी को, दे आर पर्सनली लायबल। तो इनको कंपनी में रखा इसलिए जाता है क्योंकि फैमिली बिजनेस एक क्वांटम जंप चाहता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर प्रोफेशनलाइजेशन लेके आना चाहता है, लेकिन कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है। सिक्स नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर के ऊपर हमारे पास जो आता है बोर्ड डेवलपमेंट के अंदर फिड्यूशरी बोर्ड आता है नॉन फैमिली मेजॉरिटी। क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि हमारे पास 5 डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनमें 4 फिड्यूशरी बोर्ड के अंदर फैमिलीज के मेंबर नहीं है, सिर्फ 1 या 2 फैमिली मेंबर है। यानी कि जो मेजॉरिटी डायरेक्टर्स हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर मेंबर बैठे हुए हैं, वो कंपनी के फुल टाइम इंप्लॉइज हैं और फुल टाइम टीम मेंबर हैं, और वही लोग कंपनी की कमांड को आगे लेके जा रहे हैं। इनकी परफॉर्मेंस को कौन इवेल्युएट करता है? बिजनेस ओनर इनके साथ मंथली मीटिंग करता है, क्वार्टरली मीटिंग करता है, इनको गोल देता है और इनको बोला जाता है कि इतने टाइम के अंदर आपने अचीव करना है, और डे टू डे ऑपरेशन के अंदर बिजनेस ओनर इन्वॉल्व नहीं होता, मैनेजमेंट के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि अब ये कंपनी कैसी बन चुकी है, अब ये कंपनी उस लेवल पे जा चुकी है जहां पर कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, वो सिर्फ डिविडेंड खाते हैं, वो कंपनी की ब्रांड वैल्यू का खाते हैं, वो डे टू डे ऑपरेशन में नहीं जाते, वो सेल्स मार्केटिंग HR कंप्लायंस XYZ चीजों के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, वो लोग वेल्थ क्रिएशन के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो लोग फिलेंथ्रोपी के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो लोग लॉ को नहीं जानते, लॉ मेकर को जानते हैं, कौन? बिजनेस ऑनर। अब ये फिड्यूशरी बोर्ड पे ऐसे लोग मिलेंगे कैसे, उनकी हायरिंग कैसे होती है, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, उनके KPI क्या होते हैं, उनके KRA क्या होते हैं, और किस तरीके से कंपनी का कंट्रोल बिजनेस ऑनर के पास भी रहे और ये कंपनी की जो कमांड है उसको आगे लेके जा भी सकें, उसके लिए क्या करना है? राकेश शर्मा से आपने इन चीजों को ले लेना है कि किस तरीके से हमारे को अपनी कंपनी के अंदर फिड्यूशरी बोर्ड, जहां पर की जो नॉन फैमिली मेंबर्स हैं वो मेजॉरिटी में है, कैसे क्रिएट करना है। लेकिन कंडीशन एक है, आपने स्टेप बाय स्टेप, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पीछे के 5 बोर्ड अचीव कर लिए, 5 एक्शन आपने अचीव कर लिए। 5 एक्शन कौन कौन से थे? पेपर बोर्ड, आपने पेपर बोर्ड के अंदर जो आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए हुए हैं 17 टूल्स को यूज करके उनको डीरिस्क कर दिया है, पहला स्टेप था। दूसरा, फैमिली ओनली बोर्ड के अंदर आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो बिजनेस के अंदर है, उनके रोल क्लियर है, उनके KPI और KRA बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिंक है, एवरी वीक या एवरी मंथ बोर्ड मीटिंग होती है और उनके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। 3rd, हमारे जो फीस बेस्ड एडवाइजर है, फीस बेस्ड जो मेंटर है, वो अब अपने फैमिली बिजनेस के अंदर लेके आ चुके हैं। ये जो फीस बेस्ड मेंटर है, जहां मैंने एग्जाम्पल मैंने आपको अपना दिया था, फीस बेस्ड मेंटर या फीस बेस्ड एडवाइजर आपके फैमिली बोर्ड को प्रोफेशनलाइज करता है, आपके बिजनेस और फैमिली में अलग अलग सेपरेशन करके दिखाता है,
और बताता है जब हम बिजनेस की बात करेंगे तो सिर्फ बिजनेस के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, उसमें परिवार की कोई बात लेके नहीं आएंगे, और जब हम परिवार की बात करेंगे तो हम उसमें बिजनेस की कोई बात लेके नहीं आएंगे। नंबर फोर के अंदर मैंने आपको बताया कि हमारे को फिड्यूशियरी बोर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को लेके आना है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, किस तरीके से उसको हायर किया जाएगा, ये आपने मेरे से ले लेना है। नंबर पांच, फिड्यूशियरी बोर्ड जहां पर फैमिली मेंबर्स ज्यादा नंबर्स में है, एंड सिक्स नंबर पे फिड्यूशियरी बोर्ड जहां पर नॉन फैमिली की मेजोरिटी ज्यादा है। मैंने आपको अभी कुछ नाम बताए थे, एशियन पेंट, इमामी, डॉक्टर रेडी लैब, जेएमआर राव, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस छह नंबर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डेवलपमेंट के ऊपर स्टे करते हैं। इनके फैमिली बोर्ड के अंदर, इनके फैमिली बिजनेस बोर्ड के अंदर परिवार के सदस्य कम हैं, प्रोफेशनल ज्यादा हैं, इंडिपेंडेंट ज्यादा हैं, फीस बेस्ड एडवाइजर एंड मेंटर ज्यादा हैं। फैमिली के जो लोग हैं, फैमिली जो है वो सिर्फ ऑनरशिप को एंजॉय करती है, और वो ऑनरशिप या तो फैमिली ट्रस्ट में है या वो इंडिविजुअल है, डिपेंड करता है केस टू केस डिपेंड करता है। तो वहां पर हमने किस तरीके का बोर्ड डेवलप करना है वो हमने देखना है। तो ये था सिक्स कैटेगरी ऑफ बोर्ड डेवलपमेंट। अब मैंने आपको बोला हमारे को तो इसके अंदर डीप भी जाना है, वो 17 टूल क्या होते हैं, वो 17 टूल्स क्या है जो डीरिस्क करना है फैमिली के पेपर बोर्ड को, फिर फैमिली बोर्ड के अंदर रोल की क्लेरिफिकेशन कैसे लेनी है, केपीआई केआरए कैसे क्रिएट करने हैं, और बोर्ड मीटिंग कैसे कंडक्ट करनी है, एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कैसे हायर करना है, उसके रोल्स क्या होंगे, एंड राकेश शर्मा को अगर फैमिली बिजनेस मेंटर लेके आना है, एडवाइजर लेके आना है, तो किस तरीके से ऑपरेशन होगा, एंड देन फिड्यूशियरी बोर्ड। अगर आप इन सब एरियाज के ऊपर मेरे साथ चलना चाहते हैं, अगर आप मेरे से ये चीजें आप लेना चाहते हैं, यू आर मोस्ट 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 वेलकम। क्योंकि आज तो मैंने आपको फैमिली बिजनेस टॉक के अंदर आपको बताया कि फैमिली जो बोर्ड है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो कितने तरीके का होता है, और अब आपको इन छह की छह कैटेगरीज को सीक्वेंस वाइज आपको अंडरस्टैंड भी करना होगा, इनकी रोल्स को भी आपको अंडरस्टैंड करना होगा। अब फैमिली को चलाने के लिए अभी सिर्फ मैंने बात क्या की है, ओनली प्रोफेशनल बोर्ड की। आपके बिजनेस के अंदर तीन तरह के लोग इन्वॉल्व हैं, फैमिली, कंपनी के मालिक और मैनेजमेंट। इन तीन एरियाज के अंदर सात तरह के लोग इन्वॉल्व हैं। फैमिली के अंदर मतलब फैमिली के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो ओनरशिप में हैं, फैमिली के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो मैनेजमेंट में हैं, फैमिली के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो ओनर हैं ना ही मैनेजमेंट के अंदर हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट कि अंदर आपने बाहर से टीम हायर की है, फीस बेस एडवाइजर लिया है या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिया है, एंड ऑनर आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं या बाहर का ऑनर्स भी कोई हो सकता है। इस तरीके से सात लोग यानी कि सेवन स्टेक होल्डर आपके बिजनेस के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ये जो मैंने तीन सर्कल किए हैं, इन तीनों सर्कल के अंदर आपको अलग अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्रिएट करने हैं। अभी जो मैंने आपके साथ आज जो फैमिली बोर्ड डिस्कस किया, जहां मैंने आपको छह स्टेप्स गिनवाए, वो सिर्फ ऑनरशिप वाले पार्ट के हैं, ओनली ऑनरशिप वाले पार्ट के हैं। फैमिली के अंदर डिस्कस नहीं किया, मैनेजमेंट के अंदर डिस्कस नहीं किया। तो अगर हमारे को ऑनर वाले पार्ट के ऊपर ये छह तरीके के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्रिएट करना है, तो इसको अगर डिटेल में हमारे को समझना है, इसकी साइंस को डिटेल में समझना है और अपने फैमिली बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करना है, दिस इज स्पेशल फॉर यू। ये जो आधे घंटे का टॉक था, मैंने आपको बोला था फैमिली बिजनेस टॉक 30 मिनट का टॉक है, प्रिसाइज है, और मैं इसके अंदर आपको सारी चीजें जो फैमिली बिजनेस टॉक के अंदर जो फैमिली बोर्ड्स के रिलेटेड था वो मैंने आज आपको दी। अगर आज आप मेरे साथ एक कदम और आगे चलना चाहते हैं कि इन सब चीजों को राकेश भाई क्रिएट कैसे किया जाए, इन सब चीजों को क्रिएट कैसे किया जाए, कैसे समझा जाए कि किसके रोल क्या है, और फैमिली बोर्ड को लेके बहुत सारी कंफ्यूजन है, और हमारे को फैमिली बिजनेस के अंदर फैमिली बिजनेस बोर्ड बनाना है किस लिए, एम्पावरिंग द ग्रोथ एंड इनोवेशन के लिए। ये जो पर्टिकुलरली प्रोग्राम मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ लीडर्स के लिए है, डायरेक्टर्स के लिए है और फैमिलीज के लिए है। और वो फैमिलीज, वो लीडर, वो डायरेक्टर जो अपने फैमिली बिजनेस के अंदर ग्रोथ को एम्पावरिंग स्टेज पे लेके आना चाहते हैं और इनोवेशन करना चाहते हैं, इट्स नॉट फॉर ऑल। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि व्हाट विल यू लर्न, ये एक मेरे साथ आपका चार वीक यानी कि एक महीने का सेशन रहेगा,
यहां पर हम क्या क्या सीखेंगे, यहां पर मैं आपको एम्पावर करूंगा बोर्ड कब बनाया जाता है, ये जो बोर्ड है इसकी ट्रुथ क्या है, इसके मिथ क्या है, और इस बोर्ड मीटिंग के अंदर चैलेंजेस क्या आते हैं, फियर एंड मिसकंसेप्शन क्या है हमारा बोर्ड को लेके, और अगर हम बोर्ड क्रिएट कर लें तो उसके बेनिफिट क्या है, बोर्ड कितनी तरह का होता है और बोर्ड के अंदर हर डायरेक्टर्स का रोल क्या होता है और बोर्ड को डिजाइन कैसे किया जाता है और शुरुआत कहां से करनी है, बोर्ड के ऊपर कौन बैठेगा और बोर्ड के ऊपर जिस पर्सन को बिठाएंगे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, उसके केपीआई केआरए क्या होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ऐसे लोग मिलेंगे कहां, और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें तो यही नहीं पता कि डायरेक्टर्स का काम क्या है। अगर मैं आपको एक लिस्ट पकड़ा दूं कि देखो जी डायरेक्टर्स जो है ना ये उसके 11 ये वाले काम है, अब ये 11 काम आपकी कंपनी के अंदर डायरेक्टर कर रहा है या नहीं कर रहा, और इस 11 काम को करके कंपनी का प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, कॉस्ट कितनी कम हो रही है और एफिशिएंसी कितनी इंप्रूव हो रही है, इसको चेक कर लेते हैं, ना कि हम अपने फैमिली बिजनेस के अंदर अपने पर्सनल इमोशंस की वजह से लड़ते रहें, पापा ने ऐसे किया, बेटा जी ने ऐसे किया, मम्मी ने ऐसे किया, भाई ने ऐसे किया, ये मामा जी ऐसे करते हैं, मामा जी का बेटा ऐसा करता है, चाचा जी ऐसे करते हैं, फलाना ऐसा करता है, ढिमकाना ऐसे करता है, उसी फाइट में अगर रह जाएंगे तो ना तो सुपर बिजनेस ग्रोथ आएगी ना फैमिली अलाइनमेंट आएगी। बिजनेस को बिजनेस की तरह से अगर चलाना है और परिवार को परिवार की तरह से अगर चलाना है तो आपको फैमिली बिजनेस बोर्ड को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसकी साइंस क्या है, उसकी इंप्लीमेंटेशन क्या है, वो आपको समझनी होगी। उसके लिए यस ऑनलाइन बैच है, जुलाई के अंदर शुरू हो रहा है ये ऑनलाइन बैच, ये शाम को 7 बजे सेशन होगा, ऑनलाइन सेशन होगा और जूम पे सेशन होगा, इसमें 4 सेशन होंगे, एवरी फ्राइडे 7 पीएम 60 मिनट ऑनलाइन सेशन होगा, जूम पे होगा। इस सेशन को जो नॉर्मली जब मैं चार्ज करता हूं, जो मैं इसको हर क्वार्टर में जब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, इसकी जो नॉर्मल फीस है वो 31,000 है प्लस जीएसटी, 31,000 प्लस जीएसटी, लेकिन आपके लिए ये प्राइस नहीं है क्योंकि आप लोग फैमिली बिजनेस टॉक के अंदर कंसिस्टेंटली मेरे साथ आ रहे हैं, आपके लिए ये स्पेशल प्राइस सिर्फ 11,000 है, 11,000 प्लस मनी बैक गारंटी। मनी बैक गारंटी का क्या मतलब है, आप ये सेशन अटेंड कीजिए, आपको मेरी टॉक पसंद नहीं आई, आपको मेरे बनाए हुए मैनुअल्स पसंद नहीं आए, मैंने जो आपके साथ चेकलिस्ट शेयर की आपको नहीं पसंद आया, आप मेरा पहला सेशन अटेंड कीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आया, बोले राकेश भाई मजा नहीं आया, तो पहले सेशन के बाद आपकी फुल फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी, नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो अगर आपको ये साउंड इंटरेस्ट करता है कि हाँ फैमिली बिजनेस क्रिएट करना है और जो 6 तरह के हमने फैमिली बिजनेस की बात की इसको समझना है, यानी कि बोर्ड हमें कब बनाना है, किस तरह के चैलेंज और मिथ और ट्रुथ है फैमिली बिजनेस बोर्ड के, कंसेप्शंस या फियर क्या है, बोर्ड को बनाने के फायदे क्या हैं, कितना तरह का बोर्ड होता है और उसको किस तरीके से रोल तक लेके जाना है, डिजाइन कैसे करना है बोर्ड को, और ये लोग मिलेंगे कहाँ और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे क्रिएट करेंगे, अगर आप इन सब के बारे में समझना चाहते हैं तो यस आपके लिए 31,000 की इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके लिए सिर्फ 11,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, मनी बैक गारंटी है, आपके साथ हर सेशन के बाद आपके साथ वो वीडियो भी शेयर की जाएगी 3 महीने के लिए, किसी वजह से आप सेशन अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आपके साथ वीडियो अटेंड की जाएगी, आपने सेशन अटेंड कर लिया तो भी आपके साथ वीडियो अटेंड की जाएगी, अगर आप सेशन अटेंड करते हैं 1 घंटे का तो सेशन है, उसके बाद आपके कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के सेशन के बाद आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जब तक मैं आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा सेशन क्लोज नहीं हूं। तो लाइव सेशन में आने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, टू आस्क द क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लाइव सेशन में ही करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। वीडियो आपके साथ शेयर हो गई और ये 7 जुलाई से 7 बजे से ये शुरू हो रहा है और 60 मिनट का ये सेशन होगा और 60 मिनट सिर्फ मैंने बोला जो मैं डिलीवर करूंगा, उसके बाद जो आपके क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन की कोई सीमा नहीं है, जब तक कि आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं होंगे सेशन ऑन रहेगा और फिर ये इंटरैक्टिव सेशन बन जाएगा।